नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस। मेहनत ही आपकी सक्सेस का राज है, और ये बात एक क्रिकेट मैच के माध्यम से, वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के माध्यम से बताना चाहते हैं। आपने जो देखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक शानदार वर्ल्ड कप का समापन हुआ जिसमें कई उतार चढ़ाव देखने को और सीखने को मौका मिला। जीवन में जो आज हम बात करने जा रहे हैं, इससे हमारी बातों में बहुत सारे लोगों को कुछ ठेस भी पहुंच सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जो आज कुछ हम बात करने जा रहे हैं, उससे आपको जीवन में बहुत सारे कामयाबी मिल सकती है। और वो पहला चीजें एक एक करके जानते हैं। पहला कि कामयाबी आपके संघर्ष मेहनत से ही मिल सकती है। कोई ईश्वर के चमत्कार या किसी यज्ञ महायज्ञ से नहीं, किसी को दुआओं से नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत से मिलती है। और ये आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले इंडिया के एक चमत्कारिक, एक ऐसा बेहतरीन टीम इस सीजन में बनी थी। लगातार जीतते आने के बावजूद भी आज इंडिया में हार गई। उसका वजह सिर्फ एक ही था, प्लानिंग, और उसके साथ फील्ड में मेहनत। आपने ऑस्ट्रेलिया की जो टीम मैदान में जब उतरी, वो प्लानिंग के साथ उतरी। आज ऑस्ट्रेलिया की जब टीम मैदान में उतरी तो पूरी प्लानिंग के साथ उतरी। किसको विकेट गिराना है, फील्ड पे कैसे मेहनत करना है, किसको रोकना है, कितना पे रोकना है, एक प्लानिंग। 47 रन पे 3 विकेट गिरने के बावजूद भी इंडिया हार गया, क्योंकि वहां प्लानिंग की जरूरत थी, लीडरशिप की जरूरत थी, जो ऑस्ट्रेलिया टीम में दिखाई दिया। टीम हेड ने एक लीडरशिप किया, टिके रहा, पेशेंस के साथ मेहनत किया। एक एक दो दो रन से उनको पता था मुझे लक्ष्य पे पहुंचना है। इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं जीतने की आदत। यह महेंद्र सिंह धोनी के पास था, लीडरशिप, प्लानिंग, जीतने का जुनून। आज यही चीज रोहित शर्मा में नहीं था। टीम लगातार जीती, एक शानदार टीम थी, सभी बल्लेबाजों का योगदान था जीतने में, सभी बॉलरों का योगदान था। टीम अच्छा खेल रही थी इसलिए लगातार जीते, लेकिन इस मैच में प्लानिंग थी। लोग कहे अरे हार गया, चलो जो हो गया सो। नहीं दोस्त, चैंपियन तो वही होता है जो आखिरी में जीतता है, और आप चैंपियन तभी बनेंगे जब मंजिल तक मेहनत करके चैंपियन बन के जीत के दिखाएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टीम में बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र आए, बड़े बड़ा बाबा आए, जिन्होंने कहा राहु काल केतु काल सब इंडिया की ओर है, आज चमत्कार होगा, इंडिया जीतेगा। वो ज्योतिष कहां गए, वो ज्योतिष कहां गए जिन्होंने भविष्यवाणी किया था कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा? वो बाबा कहां गए जिन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि इंडिया ही जीतेगा? और राहु केतु कहां गए, वो यज्ञ, वो महायज्ञ कहां गए, और वो करोड़ों लोगों की दुआएं जो इंडिया जीतेगा मैदान पे, उस स्टेडियम पे 1,20,000 वो दर्शक जो ये कह रहे थे, दुआएं मांग रहे थे इंडिया जीतेगा। मैं भी इंडिया से प्यार करता हूं, इंडिया टीम से और इस देश से मोहब्बत करता हूं। बात सिर्फ ये समझाने की है कि भगवान को इतनी दुआ मांगने के बाद भी इंडिया को जिता नहीं पाया, ईश्वर जिता नहीं पाया, अल्लाह जिता नहीं पाया। जीत का जश्न वही मनाया, ये जो देख रहे हैं, ये जीत का जश्न वही मनाया जिन्होंने फील्ड में मेहनत किया। यानी मेहनते खुदा वर्धते, मेहनत करने वालों का ही खुदा साथ देता है। मेहनत के साथ राहु केतु भी बदल जाते हैं, और मेहनत के साथ तुम्हारी हाथ की रेखाएं भी बदल जाती है, और मेहनत करने के साथ तेरी जीवन की दिशा और दशा भी बदल जाती है। इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, इसके लिए आपको घर से निकल के काम करना पड़ेगा। किसी चमत्कार के इंतजार में अगर आप हैं, तो हमारे देश में इससे बड़ा चमत्कार जो वर्ल्ड कप में होता वो कभी नहीं देखते। लेकिन चमत्कार नहीं हो सकता है, भगवान आपका तभी साथ दे सकता है जब आप मेहनत करते हैं।
हम ये नहीं कहते कि भगवान नहीं, भगवान है, लेकिन भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। दुआएं भी तब काम आती है जब आप मेहनत करते हैं और प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो विजेता बनते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बहुत कुछ आपको देखने को मिला। यहां कोई जाति और धर्म काम नहीं आया, किसी का मजहब काम नहीं आया, लेकिन हम जो है ना खेल के मैदान में यज्ञ और महायज्ञ और चमत्कार इन सब का इंतजार करते हैं। दोस्तों यज्ञ महायज्ञ ये हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में वो अपने जगह पे हैं और ये ईश्वर की पूजा अर्चना ये अपने जगहों पे, ये आस्था का विषय है। हमारी मेहनत जब तक नहीं होगी हमें ईश्वर भी कामयाबी नहीं दिलाएगी। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप मेक यू हैबिट, मेहनत करने की आदत डालो, फिर वही आदत हैबिट मेक यू, आदत ही तुम्हें आदमी बना देगा और ये आदमी तुम्हें महान बना देगा जब ये आदमी के अंदर में स्टेप बाय स्टेप मेहनत करने की आदत डालेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम के पास वर्ल्ड कप जीतने की आदत है, वो फाइनल में पेशेंस और प्लानिंग की आदत है। मेहनत करते जाओ, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि हम जीत के भी हार गए और ऑस्ट्रेलिया हार के भी जीत गया। कश्ती हर तूफान से गुजरेगा, मौत आकर भी टलेगा, क्षमा बूझ कर भी जलेगा, लेकिन अक्सर कहते हैं ना, अक्सर हवाओं की कसूर नहीं होती कि दीपक बुझ जाए, कभी कभी तेल भी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर की कमियों को निखारने की जरूरत है, घर से निकलने की जरूरत है, बाहर प्लानिंग की जरूरत है, कामयाब होने के लिए हैबिट्स की जरूरत है। और जिसने ये कहा, जिसने ये किया, उसका किस्मत इंतजार कर रहा है उस सफलता का। जाते जाते हम यही कहेंगे, कश्ती हर तूफान से गुजरेगा, मौत आकर भी टलेगा, क्षमा बूझ कर भी जलेगा, मेहनत करके देख, घर से निकल के तो देख, तेरा किस्मत कभी भी पलटेगा। यकीन मानिए, ना तुम्हारा कोई राहु है, ना तुम्हारा केतु है, ना तुम्हारा यज्ञ, ना प्रचंड, ना ईश्वर तुम्हारा साथ देगा, लेकिन तू मेहनत करके देख, पूरा दुनिया तुम्हारा साथ होगा। लोग तो तेरे पीछे तब आते हैं जब तू कामयाब होने लगता है। कामयाब करके देखा, कामयाब होके तो देख, तेरे प्रशंसा में लोग इंतजार में बैठे रहेंगे। जब कोई सेंचुरी मारता है, जब कोई जीतता, उसकी प्रशंसा कैसे होती है। एक बार मेहनत करने की जरूरत है और इस मेहनत के सामने सब फीका है और कामयाबी तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी कामयाबी है और भगवान उसी का साथ देता है। मेहनते खुदा वर्धते, भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत पे लगा हुआ है। चमत्कार से कुछ नहीं होने वाला और ये बात इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिला। इसे सबक लेने की जरूरत है कि जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ चमत्कार आप ही हैं जो कर सकते हैं और आपकी मेहनत। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वर्ल्ड कप जिताना है तो महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में आने की जरूरत है, क्या इसके लिए सहमत हैं? तो एक बार लाइक्स और कमेंट्स जरूर करेंगे। थैंक यू। आइए हम इस मैच से सबक सीखते हैं और दोबारा वर्ल्ड कप